अब रणवीर फिल्मों के लिए नहीं लेंगे फीस, जानिए क्या है कारण। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फिल्मों में जान डाल देने वाले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की हाल ही में नई फिल्म गली बॉय ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अच्छी कमाई कर ली है। वैलेंटाइन डे के अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज हुई गली बॉय पहले ही सप्ताह में 100 करोड़ के बिल्कुल करीब पहुंच गई। गुरुवार की कमाई के बाद रणवीर सिंह की यह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट भी दमदार किरदार में दिखाई दे रही है। अब रणवीर को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है कि पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय जैसी लगातार हिट फिल्में देने के बाद रणवीर सिंह अब अपनी फिल्म के लिए फीस नहीं लेंगे, बल्कि वो भी शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों की तरह प्रोड्यूसर्स के साथ कमाई में हिस्सेदारी लेंगे। खबरों के मुताबिक आने वाली फिल्म 83 में रणवीर कपिल देव का रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म के लिए निर्माताओं ने रणवीर को शानदार ऑफर दिया है। जी हां, कबीर खान की 83 के लिए रणवीर को कमाई का एक हिस्सा दिया जाएगा। दरअसल रणवीर की सारी आने वाली फिल्मों में कमाई में उनकी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि रणवीर ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। फिर लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे हैं। आपको बता दें कि रणवीर ने सिर्फ 8 साल में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.